हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लाएंगे टॉप अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन 2024। तो दोस्तों, वीडियो आपके सामने हाजिर है। चलिए जानते हैं कि कौन सी टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो दोस्तों 2024 में आने वाली हैं और उनमें से आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है रिवॉल्ट की NX100। एंड इसमें भी दोस्तों तीन मॉडल आते हैं, तो आज हम इसके मैक्स मॉडल की बात करेंगे जो इसका टॉप वेरिएंट है, जिसमें ये 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें सिर्फ लिमिटेड जानकारी के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी बैटरी कैपेसिटी, उसकी रेंज, उसके मॉड्स, उसकी टॉप स्पीड और उसका ऑन रोड प्राइस। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 5.76 किलोवाट आर की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। एंड इसकी रेंज की बात करें तो फ्रेंड्स, कंपनी क्लेम कर रही है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 300 किलोमीटर की रेंज दे देगी, बट फ्रेंड्स, इतनी बैटरी कैपेसिटी में आपको 250 से 260 किलोमीटर की रेंज मिल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 110 किलोमीटर पर आर की आपको इसमें टॉप स्पीड अचीव हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1,70,000 रुपये तक की ऑन रोड पड़ जाएगी। एंड इसके मोड्स के बारे में अभी कंपनी ने कुछ दावा नहीं किया है कि इसमें कितने मोड हैं एंड किस मोड पे कितनी रेंज मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उसकी जानकारी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ दोस्तों, जो कि है सिंपल एनर्जी कंपनी की तरफ से Simple.1। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 3.7 किलोवाट आवर की आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। इसके मोड्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 मोड मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि किस मोड पर कितनी रेंज मिलेगी और कितनी टॉप स्पीड मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहला मोड है इको मोड, उसमें रेंज की बात करें तो 130 से 140 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी फुल चार्ज पर। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 48 किलोमीटर पर आर की आपको इसमें टॉप स्पीड अचीव हो जाएगी। इसके राइड मोड की बात करें दोस्तों, जो कि इसका सेकेंड मोड है, उसमें आपको रेंज मिलेगी 100 से 110 किलोमीटर की एंड टॉप स्पीड मिलेगी 66 किलोमीटर पर आर की। इसका जो थर्ड मोड है दोस्तों, वो है डैश मोड, इसमें आपको 60 से 75 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 83 किलोमीटर पर आर की आपको इसमें टॉप स्पीड अचीव हो जाती है। एंड फाइनली, इसका जो फोर्थ मोड है दोस्तों, वो है सोनिक मोड, जिसमें आपको रेंज तो सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की ही मिलेगी दोस्तों, बट टॉप स्पीड आपको उसमें 105 किलोमीटर पर आर की अचीव हो जाएगी। बात करते हैं इसके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ दोस्तों, जो कि है एथर कंपनी की तरफ से एथर एपेक्स मॉडल। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 3.7 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी, जिसमें आपको अगर मोड्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको 4 मोड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है इको मोड। उसके रेंज की बात करें तो 100 से 110 किलोमीटर की उसमें रेंज मिल जाएगी दोस्तों। टॉप स्पीड की बात करें तो 45 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिल जाएगी। इसका सेकंड मोड है राइड मोड, उसमें हम रेंज की बात करें तो 90 से 95 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी दोस्तों। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 70 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिल जाएगी। थर्ड मोड है इसका स्पोर्ट्स मोड, जिसमें आपको 80 से 90 किलोमीटर की रेंज मिलेगी दोस्तों। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिल जाएगी। एंड इसका जो फोर्थ मोड है दोस्तों, वो है रैप मोड, जिसमें रेंज तो आपको 60 से 75 किलोमीटर की मिलेगी दोस्तों, बट टॉप स्पीड आपको इसमें 100 किलोमीटर पर आर की अचीव हो जाएगी। इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,99,000 रुपीज़ की आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों अपनी सबसे टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ, जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, जो कि है TVS कंपनी की तरफ से फ्रेंड्स, TVS X। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4.4 किलोवाट आर की आपको इसमें बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। मोड्स की बात करें तो 3 मोड मिलेंगे। सबसे पहला मोड है XLD, जिसमें रेंज की बात करें तो 130 से 140 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी एंड टॉप स्पीड आपको 55 किलोमीटर पर आर की अचीव हो जाती है। सेकंड है इसका एक्सट्राइड मोड, जिसमें 110 से 120 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी दोस्तों। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो 70 किलोमीटर पर आर की आपको इसमें टॉप स्पीड अचीव हो जाएगी। थर्ड मोड है इसका एक्सोनिक मोड, जिसमें रेंज तो आपको 70 से 80 किलोमीटर की मिलेगी दोस्तों, बट आपको इसमें टॉप स्पीड मिलेगी जो 105 किलोमीटर पर आर की मिल जाएगी। एंड फाइनली बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि आपको पड़ेगी 2.5 लाख रुपए की ऑन रोड। तो दोस्तों, ये थी टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो 2024 में आने वाली हैं। आपको कौन सी बेहतर लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एंड अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर दोस्तों कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे वीडियो के एंड में। एंड फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम आपको टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा रेंज देती है बट आपको
अंडर 1 लाख की पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो वीडियो देखनी है और अपने सवालों का जवाब चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।